हाईकोर्ट के निर्देश और विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के चलते अकोला मनपा प्रशासन ने दो दिन में शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स बैनर्स हटा दिए हैं। इसके साथ ही मनपा ने शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर्स भी हटा दिए हैं। कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी नगर पालिकाओं के अंतर्गत अवैध होर्डिंग्स और बैनर हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. सुनील लहाने के आदेश के अनुसार 14 अक्टूबर से मनपा के शहरी नियोजन एवं अतिक्रमण विभाग की ओर से कार्रवाई कर मनपा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स और बैनर हटाए गए। कार्रवाई में शहर के विभिन्न हिस्सों से कुल 40 बड़े होर्डिंग्स, करीब 300 छोटे बैनर, पोस्टर और झंडे हटाए गए हैं। मनपा के शहरी नियोजन और अतिक्रमण विभाग की ओर से अभी कुछ दिनों तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स और बोर्ड हटाए जाएंगे। सिटी कोतवाली बस स्टैंड, सिटी कोतवाली से शिवाजी पार्क, सिटी कोतवाली से जयहिंद चौक, वाशिम बाईपास, दुर्गा चौक से अग्रसेन चौक, नेहरू पार्क, मुख्य डाकघर से सिविल लाइन चौक, जवाहर नगर चौक, अशोक वाटिका से कॉलखेड चौक, रिंग रोड से तुकाराम चौक, अशोक वाटिका चौक, जठारपेट से गुड़घी, श्रीवास्तव चौक से डाबकी रोड नाका जैसे इलाकों में महानगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।